हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो फाइनली डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म का जितने भी बच्चे इंतजार कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो आप सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज है कि JEE CUP के ऑफिशियल वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन वाउचर 2024 जारी कर दिया गया है, जिसके तहत आपको हर एक इंफॉर्मेशन इस एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग मिल जाएगा। जैसे कि एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएगा, कब तक चलेगा, फिर काउंसलिंग कब से होगा, कब तक चलेगा, फिर फाइनली एडमिशन कब तक हो जाएगा, यानी एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के एडमिशन तक का हर एक डेट शीट जारी कर दिया गया है। इसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें अभी से होने वाला है। और काफी सारे बच्चों के मन में एज को लेकर के डाउट है कि सर मेरा कम एज है तो क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, तो उसको लेकर के भी बात कही गई है। और क्या अदर स्टेट वाले बच्चे इस एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और यदि वो फॉर्म फिल करेंगे तो क्या उनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, इन बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा लगातार हमारे साथ, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैं JEE CUP के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, जो कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस वेबसाइट पर ही इस एंट्रेंस के एग्जाम के रिगार्डिंग हर एक इंफॉर्मेशन ऑफिशियली दी जाती है, और इसी को आपको फॉलो करना है, इसी वेबसाइट को आपको विजिट करते रहना है लगातार। अगर आप वेबसाइट विजिट नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। हर एक जानकारी आपको टाइम टू टाइम हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस वेबसाइट पर दिख रहा होगा एक इंफॉर्मेशन वाउचर 2024 के नाम से है लिंक, इसको क्लिक करिए। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड करने का ऑप्शन हो जाएगा। जैसे डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो मैं इसे PDF सेक्शन में ओपन कर लेता हूं और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं क्या कुछ रहने वाला है, ठीक है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक, तो देखिए बात ऐसी है कि उत्तर प्रदेश में जो आपका डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम होता है पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत ही आता है। पॉलिटेक्निक में कई सारे ग्रुप हैं, ABCDE इस तरीके से, तो आपका जो ग्रुप ई वाला पेपर है वो डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम कहलाता है। और यहाँ पर हर एक स्टेट के बच्चे एलिजिबल हैं, चाहे आप बिहार से हैं, पंजाब से हैं, चंडीगढ़ से हैं, या फिर केरला से हैं, कर्नाटका से हैं, हिमाचल से हैं, या फिर आप MP से हैं, उड़ीसा से हैं, हर लोग यहाँ पर, राजस्थान से, गुजरात से, हर लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। बशर्ते शर्त इतना होता है कि शुरुआती 3 काउंसलिंग में सिर्फ यूपी के बच्चे एलिजिबल होते हैं काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर काउंसलिंग 8 राउंड तक चलता है। अगला 5 राउंड आपके लिए भी ओपन रहता है और सारे बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फार्मेसी करना मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर सेशन लेट नहीं होता है। 2 साल के अंतर्गत आपका फार्मेसी कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कॉलेजे हैं, बहुत सारा कॉलेज है, लगभग 1000+ कॉलेज है, तो आपको सीट आसानी से मिल जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा स्कोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये भी मौका मिल जाएगा कि यदि आप अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको उतना बेटर कॉलेज मिलेगा। फिर ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में फीस बहुत कम होगी, कम फीस में आप पढ़ाई कर पाएंगे, तो ये ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है एंट्रेंस एग्जाम। और बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले साल से एंट्रेंस एग्जाम के बिना एडमिशन लेना इलीगल है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन के पक्ष में ना जाएं, ठीक है। चलिए तो क्या कुछ है सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन वाउचर 2024 जो है आपका कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जिस प्रकार से हमारे ऐप पर आपको टेस्ट लिया जाता है, जस्ट वैसे ही टेस्ट होना है, यानी कि कंप्यूटर पर टेस्ट होने वाला है, ठीक है। परीक्षा तिथि आपका रहने वाला है 16 मार्च 2024 से लेकर के 22 मार्च 2024। मैंने कहा था मिड ऑफ मार्च तक हो जाएगा, नहीं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा, तो मिड ऑफ मार्च तक हो गया। अब सिर्फ कोविड वगैरह का कोई टेंशन नहीं हो तो इसी टाइम पे हो जाएगा। देखिए जैसे अलग अलग ग्रुप्स हैं ABCDEF, तो मेनली कंपटीशन 2 ग्रुप में होता है। ए वाला इंजीनियरिंग के लिए होता है, जबकि ग्रुप ई वाला फार्मेसी के लिए होता है, ठीक है, जिसका की एग्जाम डेट 16 मार्च से 22 मार्च तक होता है। अलग अलग शिफ्ट में होता है ना, बहुत सारा शिफ्ट है, एक दिन में 2 पेपर होता है इस तरीके से, shift 1 shift 2, तो किसी एक शिफ्ट में 16 से 22 के बीच में आपका दिन पड़ जाएगा, आपके एडमिट कार्ड में ये जानकारी आपको मिल जाएगी। अब परीक्षा प्रवेश का जो फॉर्म है ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा, ये प्रारंभ होगा 8 तारीख से, 8 जनवरी से और 29 जनवरी तक, यानी आज 7 है, कल से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टार्ट होगा कैसे आप फिल करेंगे इनके बारे में भी जानकारी आपको मैं इसी चैनल पर दे दूंगा। प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध कब कराया जाएगा, तो 10 मार्च को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। फिर एग्जाम कब कराए जाएंगे, तो मैं ग्रुप ई का बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन एग्जाम होगा पहले बता दे रहा हूँ, और 16 मार्च से लेकर के 22 मार्च के बीच में आपका एग्जाम किसी भी दिन रहेगा। ये कंफर्म किस डेट में होगा, किस टाइम में होगा, वो एडमिट कार्ड पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है।
फिर बात कर लेते हैं परीक्षा फल से संबंधित, मतलब रिजल्ट कब तक आएंगे। तो रिजल्ट आपका 8 अप्रैल को आएगा, और जो आप मिस्टेक मतलब किसी क्वेश्चन पर आप चैलेंज करना चाहेंगे तो वो 27 मार्च से 30 मार्च तक आप कर पाएंगे। मान लिया आप एंट्रेंस एग्जाम दिए, आंसर की जारी कर दिया गया, तो आंसर की इस बीच में ही जारी किया जाएगा। और उसी के दौरान ये भी मौका मिलता है कि यदि आपको लग रहा है कि नहीं मैंने सही टिक किया लेकिन बोर्ड ने उस आंसर को गलत कर दिया है, तो आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं आपका जो चुना हुआ आंसर है वो गलत है किसी प्रूफ के साथ, तो आपको वो भी मौका मिलता है, फिर आपके मार्क्स जुड़ जाते हैं। 8 अप्रैल को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 चरणों की काउंसलिंग होगी, उसके बाद विस्तृत जानकारी आपको वेबसाइट पर देते रहेंगे, जो कि फाइनली आपका एडमिशन लगभग 15/8/2024 तक हो जाएगा, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग मतलब जुलाई अगस्त तक आपका एग्जाम एडमिशन वगैरह हो जाएगा प्रॉपर, फिर सितंबर से नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, अच्छे से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे। अब बात रहेगी सर इस एप्लीकेशन फॉर्म को किसको भरना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के हैं वो तो भरिए ही जिनको डी फार्मा में एडमिशन लेना है, और जो अलग स्टेट से हैं अगर वो चाहते हैं, मैं बता देता हूँ, जैसे बिहार वाले बच्चे हैं अगर प्राइवेट कॉलेज से फार्मेसी करना चाहते हैं तो आप यूपी से करिए, क्यों, बिहार में फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट करने में 4 साल लगता है, झारखंड में भी 4 साल लगता है, एमपी फिर ठीक है 2 साल में कर देता है, उड़ीसा में भी काफी सेशन लेट चलता है, तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में 2 से 2.5 साल में आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा, 2.5-3 साल तक, मतलब मुश्किल से मुश्किल 2.5 साल में आपको डिग्री मिल जाएगी, यानी कि डिप्लोमा मतलब डिप्लोमा 2 साल 2.5 साल में, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप यदि अदर स्टेट से हैं तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए, घबराइए नहीं कि एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, बहुत इजी से क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत तैयारी करवाऊंगा, आपका काम निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ग्रुप ई में भी दिख रहा होगा, ग्रुप ई1 एंड ई2, तो जो क्लास 12th में, यहाँ पर 12th आपका होना चाहिए साइंस बैकग्राउंड से, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ग्रुप ई का फॉर्म है ना, जिसमें कि यदि आप पीसीबी से हैं तो ग्रुप ई के स्टूडेंट हो गए, PCM से हैं यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से स्टूडेंट हैं तो E2 के स्टूडेंट हो गए, सबका एग्जाम यहीं पर होने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क, तो आपका जो जनरल है उनका 300 रुपया रहेगा अदर स्टेट वाले, और वहां पर जो SC ST हैं 200 रुपया आवेदन शुल्क रहने वाला है। फिर आयु को लेकर के आपके मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि आयु क्या रहने वाला है, तो चलिए आयु को लेकर के भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चलिए आयु को लेकर के पहले बात कर लेते हैं, एज लिमिट को लेकर के मैंने हाईलाइट किया है। देखिए आपका एज लिमिट में मान रहा है कम से कम 14 वर्ष होना चाहिए, कब से, 1 जुलाई 2024 से अगर गिना जाए, कह रहा है प्रवेश परीक्षा माध्यम से प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 1 जुलाई 2024 को 14 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ से 1 जुलाई 2024 तक में 14 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2000 प्रवेश हेतु जन्म तिथि 1/7/2010 अथवा इसके पूर्व होनी चाहिए, यानी कि 2010 से पहले या फिर 1/7/2010 से पहले का होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ, 2010 के बाद वाला यहां पर एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको एलिजिबल होंगे इस एंट्रेंस एग्जाम में, 14 वर्ष की उम्र में सब लोग इंटर कर जाते हैं, ठीक है। ये था एज को लेकर के। अब बात कर लेते हैं कि डी फार्मा का क्या कुछ एलिजिबिलिटी है, क्योंकि ग्रुप ई का जो बच्चा है वो डी फार्मा वाला एंट्रेंस एग्जाम कहलाता है, 2 वर्ष का ये कोर्स होता है, इसमें एलिजिबिलिटी ये चाहिए कि इंटरमीडिएट में आपका 10+2 होना चाहिए, 10+2 इंटरमीडिएट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से कंप्लीट होना चाहिए, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो वही बोला भौतिकी रसायन अनिवार्य के साथ गणित या फिर जीव विज्ञान कोई भी चलेगा, दोनों होना चाहिए। खंड क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो खंड एक में फिजिक्स केमिस्ट्री से 50% मिलाकर आएगा, 25 क्वेश्चन फिजिक्स का 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, जबकि अगर खंड दो में बायोलॉजी आएगा या तो गणित आएगा, ग्रुप ई टू वाले के लिए गणित आता है जबकि आपके E1 वाले के लिए बायोलॉजी आएगा 50-50 क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार से आप आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं, और बिल्कुल आपको मैं बताता हूं कि आपका 400 नंबर का टोटल पेपर होता है, निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, आप सारे क्वेश्चन टिक करके आएंगे, 100 क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 400 मार्क्स है, निगेटिव मार्किंग है नहीं, सारा टिक करना है, और गवर्नमेंट कॉलेज कितने भी मिल जाता है 230-240 पे। इस बार मैंने पढ़ाया था, पिछले बार बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिए, यहाँ तक कि इवन रैंक 1 होल्डर धनराज चौहान भी हमारा विद्यार्थी रहा जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में भी फिलहाल पढ़ रहा है। तो 230-240 स्कोर कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, 20 से 25 हज़ार में आपका फार्मेसी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो क्वालिफाई कर जाइए, 50-100 नंबर ले आइएगा, उसी में भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि कॉलेजों की संख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ पर सीटों की संख्या का कमी नहीं है, बहुत सारी सीट है, ठीक है।
बस एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है, थोड़ा सा पढ़ना है। पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लगातार विजिट करते रहिए, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाई जाती हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग। नहीं तो आप उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स है। इस कोर्स का प्राइस मात्र 499 रुपया है। जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता, साल भर की वैलिडिटी के साथ यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। और जैसे आप कोर्स को अवेल करेंगे, कोर्स को एनरोल करेंगे, फिजिक्स मैथ बायोलॉजी का कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा, केमिस्ट्री अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वहां पर। और लाइव क्लासेस मैं लेता हूं वहां पर, लाइव डेली वीकली लाइव डाउट सेशन लेता हूं मैं, आज भी लाइव आने वाला हूं, आपको कोई डाउट होगा फ्री लाइव सेशन रहने वाला है, तो इस लाइव क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। शाम के 6 बजे मैं लाइव आऊंगा एंट्रेंस एग्जाम के बैच में, ठीक है, ये फ्री रहेगा लाइव क्लास, कोई दिक्कत नहीं, आप फ्री में भी ज्वाइन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, अभी एक नोटिफिकेशन आपको दे दिया, ठीक है। चलिए तो यही कुछ रहने वाला है, और इस एंट्रेंस एग्जाम को आप फोड़ सकते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत का जरूरत है। ये 500 रुपया, 499 रुपया बहुत ज्यादा प्राइस नहीं होता है। काफी सारे बच्चे हमारे साथ इस कोर्स में जुड़ करके बहुत अच्छा अच्छा स्कोर किए और अपने मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के सपनों को पूरा किए हैं, आप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा भी समय है, इस समय को सही से यूटिलाइज करें तो, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप इस नोटिफिकेशन को सुनकर थोड़ा सा मन में प्रसन्नता हो आई होगी, जो भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक्साइटेड थे, और आप लोग तैयारी में जुटेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए, मन से पढ़ाई करिए, सेलेक्ट होइए और फिर हमसे बातचीत करिए और खूब मजा करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय।